वह वाणी जो परमात्मा गुरु के पारायण नहीं है, तो वो तो ऐसी वाणी है कि जैसे मेंढक टर टर की आवाज तो निकाल रहे हैं, लेकिन उनके बोलने में कोई सार्थकता नहीं है। जिनके बोलने से परमात्मा की सुगंध आए और उसकी अनुभूति हो, वो बोलना बोलना है। और वही हाथ पांव महत्वपूर्ण है, जिनके द्वारा किया गया कर्म उनके जीवन में भी सुख लाए, शांति लाए और दूसरों का भी भला करें। ऐसा करने की जब आपके अंदर योग्यता आ जाए, तो मानना चाहिए कि आपके ऊपर गुरु कृपा हो गई और आप परमात्मा के लाडले प्यारे बंदे हो गए। तो ऐसी शास्त्रों में महिमा गाई गई है। और ये जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि गुरु की क्या महिमा और क्या परमात्मा की महिमा गाओगे, तुम जो भी कुछ बोलोगे, जैसे भी बोलोगे, रुकना पड़ेगा। इदम इत्थम कही जाई न सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। कोई भी आदमी वो ऐसा है या ऐसा है, ऐसा कुछ भी परमात्मा के बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जब तुम उसके भक्त हो गए हो, तो भी कुछ न कुछ बोलोगे जरूर, मेरा भगवान ऐसा, मेरा सद्गुरु ऐसा, कुछ न कुछ गुणगान गाओगे, लेकिन फिर भी पूरा तो कोई भी महिमा अपने गुरु की और अपने भगवान की न कह पाया न कह पाएगा, क्योंकि वो तो अद्भुत अद्भुत शक्ति होते हैं। लेकिन गुणगान गाओ गुरु का भी भगवान का भी, क्योंकि वही है, गुकारो अंधकार स्यात् रुकार तन निरोध कृत। दो शब्द हैं गुरु में, एक शब्द गु और रू, जो अंधेरे से प्रकाश की ओर लेकर जाए, उसी का नाम सद्गुरु है, जो तुम्हारी निराशा को तोड़कर आशा जगा दे, तुम्हारे गिरने को जो संभाल दे, तुम्हारी जिंदगी को जो धन्य कर दे, उसी का नाम सद्गुरु है। तो जब आप सद्गुरु की शरण में पहुंच गए, तो बस ध्यान रख लीजिए, वहां से आपकी जिंदगी में परिवर्तन शुरू हो गया। क्योंकि गुरु क्या कहते हैं कि जिंदगी जब रुलाने लगे, तो इतना मुस्कराओ कि दर्द भी शर्माने लगे। जिंदगी जब रुलाने लगे, इतना मुस्कराओ कि दर्द भी शर्माने लगे, निकले ना आंसू आंखों से आपके कभी, और किस्मत भी मजबूर होकर आपको हंसाने लगे। अपने आप को पॉजिटिव बनाकर इतने मजबूत बनो कि आपके अंदर की मुस्कराहट कायम रहे। ये ऐसी ज्योति है जिसको बुझने नहीं देना चाहिए। बाकी रही परमात्मा की बात, तो उसे हृदय से अनुभूति की जाती है, शब्दों से तो कहा ही नहीं जा सकता। मैं कहा करता हूं ना, सूफियों का एक वचन है कि क्या कहूं, कैसा है, क्या खूबी है मेरे महबूब की, क्या है वो, कैसा है। दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। वो दिल से ही समझा जा सकता है, अकल लगाओगे तो पकड़ में आएगा ही नहीं। इसलिए प्यार करते हुए उसकी शरण में पहुंच कर देखिए क्या कमाल जिंदगी में होगा। तीन चीजें अपनानी है, एक है अर्पण, एक है तर्पण और एक है समर्पण। समर्पण ईश्वर के प्रति है, ईश्वर के प्रति आपको स्वयं को समर्पित। तुम्हारे हो गए तो हो गए, अब तुमसे कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं है। भगवान जो वक्त तुम्हारा है वो तुम्हें ही देंगे, उस वक्त में फिर और किसी को महत्व देंगे ही नहीं। भगवान की भक्ति का समय हो जाए, हजार काम छोड़कर भी वहां जाकर बैठ जाइए, तो पता लगता है कि आप समर्पण कर रहे हैं, समर्पित हो गए। और तर्पण होता है माता पिता के प्रति, उनको तर्पण करना पड़ता है, उनके लिए जिनके लिए त्याग किया जाता है, सेक्रीफाइस किया जाता है, 10 काम छोड़ के अपने माँ बाप को प्रसन्न करने के लिए समय निकालें। माता पिता के प्रति तर्पण भाव रहना बहुत
महत्वपूर्ण बात होती है। किस्मत वाले लोग होते हैं जो अपने माता पिता के लिए त्याग करके और उनको प्रसन्न करके उनके आशीष लेते हैं। और तीसरी चीज होती है अर्पण, जो आपको समाज के लिए अक्ल लगाकर ऐसे काम करें जिसके द्वारा समाज का भला हो, तो उसको कहते हैं समाज के लिए अर्पण करना, ऑफर करना कोई चीज। तो अपने यहाँ एक परंपरा थी, कहते थे कि हर आदमी को एक तो भगवान को अपना पार्टनर बनाना चाहिए, भगवान को, गुरु को, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सेवा के लिए अर्पित होगा, गुरु जैसे निर्देशन दे उसके अनुरूप। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, कहे कबीर निष्फल गए बोले ही वेद पुराण। गुरु के निर्देशन के अनुसार माला, ध्यान, पूजन और दान सेवा भी गुरु की विधि अनुसार की जाए तो फिर वह सफल होती है। नहीं तो आप अपनी खुद की ताली बजाने के लिए कहीं दान कर दें, अपना कॉलर ऊंचा करने के लिए, उसका उतना ही फल होता है लेकिन प्रभु की कृपा पाने का रास्ता नहीं मिलता। तो इसलिए कहा जाता है कि बुद्धिपूर्वक सहयोगी बनना चाहिए, भगवान को अपना पार्टनर, बिजनेस पार्टनर बनाओ भगवान को अपना, ईमानदारी से उसमें से कुछ निकालो, नित्य प्रतिका करिए और एक बाग लगाइए, धर्म का बाग। बाग पहले लगा लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपनी उम्र के ढलान पर जाकर जब रिटायरमेंट आने का समय हो तो उसमें से पैसे मिलेंगे संभाल के आपने अपने लिए रखने हैं और उसे बहुत संभाल के खर्च करना है। आपके साथ में इमोशनल अत्याचार करते हुए आपके घर के बच्चे बहुत तरह से रो धो कर यहाँ पैसा दे दो, यहाँ लगा दो, देखो चार गुना हो जाएगा, हम बिजनेस में आगे बढ़ जाएंगे, उनको दे बैठे आपका बुढ़ापा गया। उन्हें कहो अपनी समस्याओं का सामना खुद करो, थोड़ा थोड़ा उतना दिया जाता है, नल सूख जाए ना हैंडपंप तो एक आध बाल्टी डाल दी जाती है जिसके द्वारा नीचे का पानी आ जाए। ये नहीं कि ऐसा कोई पाइप ढूंढ ले आप ही पानी भरते जाए, निकले नहीं उसमें से। बच्चों को आप सारा सब कुछ दे बैठोगे और अपना बुढ़ापा खराब कर लें तो अच्छी बात नहीं। उतना थोड़ा सा दो, क्योंकि जहां आपका धन काम आ जाएगा वहां कोई और काम नहीं आएगा। वो जो कहते हैं ना कि अजर, तू खुदा तो नहीं है, धन के लिए कहा है कि तू भगवान नहीं है, जर तो खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है, तेरे बिना भी काम नहीं चलता इस दुनिया में, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। अपना कमाओ, अपना बचाओ, अपने बुढ़ापे के लिए सुरक्षित रखो। जब आप नहीं रहोगे तो उसके बाद तो जिनको घर वालों को मिलना मिल जाएगा। अपना दान पुण्य भी, मतलब उस समय पुण्य का भाग लगाना चाहिए। पुण्य का भाग लगाने का मतलब होता कोई ऐसी चीज बनवा देना कि धरती पर वो आपकी निशानी बनकर पुण्य के काम में लग रही हो और उसका पुण्य अंश आपके खाते से जुड़ा रहे। आप जहां जिस लोक में हो वहीं आपको वहां की ठंडक मिल रही हो। तो ऐसा कोई भी कार्य व्यक्ति करता है तो वो बहुत कृपा होती है।